तो 7 सितंबर और ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक में है और 7 सितंबर पे हमें नया आईफोन देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक नहीं चार चार आईफोन देखने को मिलेगा, आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो ये चार आईफोन जिस दिन यहाँ पे लॉन्च होगा, जितने भी 4G आईफोन है सारे के सारे 4G आईफोन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और डिसकंटिन्यू का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एप्पल अब अपने प्रोडक्शन हाउस पे ये सारे आईफोन बनाएगा नहीं। तो स्टॉक में बहुत सारा यहाँ पे 4G आईफोन अभी भी पड़ा हुआ है, तो वो 4G आईफोन्स का सेल जो होगा वो इस साल लगने वाला है बिग बिलियन डे सेल में, साथ ही साथ Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। लास्ट ईयर भी हमने देखा था आईफोन XR का जो प्राइस था वो डिसकंटिन्यू होने के बाद बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, तो ऑफर्स वगैरह या तो क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिलाने के बाद आईफोन XR का प्राइस 2021 में जो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल था उसमें हमें 30,000 देखने को मिला था। तो क्या इस साल भी हमें आईफोन 11 30,000 का देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 4G आईफोन लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे केवल दो ही आईफोन 4G है, जो कि एक तो है आईफोन SE सेकेंड जनरेशन और दूसरा है आईफोन 11 लाइनअप, और 11 में एक फोन नहीं यहाँ पे तीन फोन ही 4G है। तो इन सब के ऊपर हमें इस बार ऑफर और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया इसका मतलब एप्पल में अपडेट नहीं मिलेगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर में रिपेयर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये नया जो प्रोडक्शन होगा वो बनना बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग इस साल आईफोन 11 की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमें Amazon या तो Flipkart किसी भी एक जगह पे देखने को मिल सकता है। अभी भी कोई यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो आईफोन 11 का सेल होगा Amazon पे देखने को मिलेगा या Flipkart के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल का जो आईफोन 11 का सेल होगा वो स्टॉक क्लियरेंस सेल्स होगा और जितना भी यहाँ पे बेचना होगा आईफोन 11 वो इसी साल बिक जाएगा, क्योंकि इंडिया में जैसे ही 5G आ जाएगा उतना यहाँ पे डिमांड नहीं रहेगा आईफोन 11 का। अभी भी इंडिया में 5G नहीं आया है, इसलिए संभव बहुत सारे यहाँ पे 4G आईफोन का भी डिमांड है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब ऑफिशियली तो कोई भी बातें कंफर्म नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का जो मेरे साथ आईफोन XR का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, आईफोन 11 64GB फ्लैट इस साल आपको 32,000 तक देखने को मिलेगा। और ये बात आप कंफर्म करके रख सकते हो, 32,000 में आपको आईफोन 11 64GB बेस मॉडल मिल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी यहाँ पे ऑफर्स लगेगा, जिस भी यहाँ पे कार्ड पे ऊपर ऑफर लगेगा उस कार्ड के ऊपर भी यहाँ पे 3,000 से 3,500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे 35 भी MRP आ जाता है तो 3,000 रुपए का अगर आप माइनस कर दोगे तो 32,000 तक आप आराम से आईफोन 11 खरीद सकते हो। बाकी जैसे ही कुछ यहाँ पे ऑफिशियल प्राइस लीक निकल के आएगा, सेल्स रिगार्डिंग कोई भी प्राइस ड्रॉप दिखेगा, हम लोग इस चैनल पे डेफिनेटली वीडियो बना के आप लोगों को जरूर बताएंगे। बाकी आप क्या सोचते हो आईफोन 11 का प्राइस इस साल क्या जाने वाला है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।